बिहार के दो जिले जिस तरीके से जले हैं उसकी आग अब बिहार के सियासत में है और नीतीश सरकार बैकफुट पर है, तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि प्रशासन कहाँ थी। बहरहाल अब उन तमाम राजनीतिक दलों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आखिर ये नाकामी नीतीश सरकार की कैसे हो गई, क्यों प्रशासन एक्टिव नहीं रहा और नीतीश कुमार जो कि सुशासन का USP रखते हैं उन्होंने इतनी देरी क्यों की एक्शन लेने में। इन तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पद्मश्री से सम्मानित जगदीश प्रसाद जी। जगदीश प्रसाद जी, दो जिले जल रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत हमारे लिए दुखद घटना है, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए जिनकी घर जला, और उन परिवार के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और ये शासन जो सचेत नहीं रही, जब एक छोटा मोटा घटना पहले घटा होगा, अगर शासन सचेत होती या कोई जुलूस निकल रहा है अगर पुलिस प्रशासन उसके साथ रहती तो ये घटना घटता नहीं। इसका मतलब कि प्रशासन ने कोई भी बात, कोई भी तैयारी नहीं की। किसी तरह का जुलूस हो, चाहे धर्म के नाम पर जुलूस हो या लोग भी जा रहे हों, तो भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना होता है, जो नहीं रहे आप, तो इसमें पूरी प्रशासन की फेलियर रही है टोटली। जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, उसके हिसाब से लगता है कि अगर प्रशासन पहले दिन भी एक्टिव हो जाती तो दूसरे दिन और ये घटना नहीं घटती और इस तरह से आग बवाल नहीं होता। आप लगातार बिहार घूम रहे हैं, आपने ये साफ किया कि जाति धर्म से ऊपर उठकर अब लोगों को अपने विकास पर सोचने की ज़रूरत है, शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा जैसी मूल मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है। कब हटेगा ये जाति धर्म की जो पर्दे हैं, कब उठेंगे? आपके माध्यम से मैं अपने सभी भाई को, जो भी जुलूस में निकले हैं और जो भी जुलूस में नहीं निकले हैं, और सभी हिंदू भाई, कहने का हिंदू ही मुस्लिम है तो नहीं मानता ये सब बात, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म नहीं मानता, लेकिन सभी को मैं कहना चाहता हूँ और एक बात बताना चाहता हूँ हिंदू भाइयों को जो भी जुलूस निकाले, कि आज जो आपने मुस्लिम भाई लोग ने ही हमारे बाबा साहब को बंगाल से कंस्टिट्यूशन असेंबली में जाने के लिए भेजा, अगर मुस्लिम लोग हमारे साथ सहयोग नहीं करते तो हमारे बाबा साहब कंस्टिट्यूशन का चेयरमैन नहीं बनते, तो उनका एक बहुत बड़ा हम पर एहसान है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम होता क्या है, दोनों मनुष्य हैं, धर्म को मानने से कोई आदमी नहीं बदल जाता। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब हम ऑपरेशन करते हैं हार्ट का या किसी चीज़ का, मैं तो हार्ट सर्जन हूँ और ऑपरेशन करता हूँ, तो हो सकता है कि हिंदू का ब्लड मुस्लिम को दे दूँ और मुस्लिम का ब्लड हिंदू को देता हूँ और दोनों बच जाता है। जब हिंदू का ब्लड मुस्लिम में जा कर के मुस्लिम को बचा लेता है और मुस्लिम का ब्लड हिंदू में जा कर के हिंदू को बचा लेता है, तो आप लोग तो इसका मतलब एक ही आदमी हुए, एक ही भाई हुए, तो आप लोग अपने भाई को क्यों मारते हैं? आज आपकी समस्या क्या है, धर्म समस्या है या आपकी परिवार समस्या है या आपकी बच्चों की समस्या है या आपकी समाज की समस्या है? आप ये समझिए कि आज जो हमारे गरीब भाई हैं, जितने लोग झंडा निकल के चलते हैं, मैंने सबको देखा बिहार में भी कि 99% वो गरीब के बच्चे थे जिनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं, और पढ़े लिखे तो आप लड़ाई करिए शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए लड़ाई करिए। आपका 33 साल से सरकार बना हुआ है, आप लोग को अच्छा शिक्षा नहीं दिया है, आपको जुलूस निकालना है तो शिक्षा के लिए सरकार के विरुद्ध निकालिए, आप जुलूस निकालना है तो सरकार स्वास्थ्य यहाँ खराब कर दिया, बेरोजगारी आसमान चरम सीमा पर चला गया, आप अपने भाइयों में लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम हैं। अगर आपको कोई बहकाता है लड़ने के लिए धर्म के नाम पर, वोट लेने के नाम पर कोई भी पार्टी, तो इसके बहकावे में आप लोग मत आएं। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ये अपनी उपासना की बात है कि कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। बड़ा सवाल ये भी है ना सर कि 3 दिन का पूरा मामला हो गया और सरकार उसके बाद आपातकाल बैठक करती है, नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, ये तो देखिए, जब ये जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि हमने 18 साल में लोगों को पढ़ाया लिखाया नहीं, तो लोग बेचारे अशिक्षित रहे, तो बहकावे में आ जाते हैं, किसी ने बहका दिया होगा,
किसी पार्टी ने उनको बहका दिया होगा, तो इनका पूरी तैयारी करनी चाहिए थे रामनवमी में, क्योंकि ये जानते हैं। जैसे कि इन्होंने फिर से आ रहा हूँ कहा कि शराब बंद कर दो, शराब फिर भी चल रहा है भाई, तो आपका शासन जो है बिल्कुल गड़बड़ है मुख्यमंत्री महोदय, आप इस बात को समझिए। और आप असक्षम हैं उन लोगों को कंट्रोल करने में, आप माने या ना माने। मैं तो 8-7 महीने से 9 महीने से बिहार में घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ आपका जितना शासन का प्रशासन का सिस्टम, अगर आप में ये होता तो आप ये जो बैठक अभी कर रहे हैं, ये बैठक आपको एक सप्ताह पहले करना चाहिए था कि हर थाने को बताना चाहिए था कि जहाँ भी जुलूस निकलेगा वहाँ पर सैनिक बल, पुलिस सैनिक, एसपी, डीएम सब लोग जाएंगे और सब लोग वाच करेंगे कि पीसफुल जुलूस निकलेगा, कोई हल्ला नहीं करेगा। आखिर में अगर लोग हल्ला नहीं करते, अगर एक दूसरे से बहस नहीं करते तो ये घटना नहीं घटती। तो इस घटने का सारा जिम्मेवारी सरकार का है कि सरकार ने लोगों को शिक्षित नहीं किया, पढ़ लिख करके भी सरकार ने नहीं बताया लोगों को कि भाई धर्म के नाम पर लड़ाई मत करो, सब मनुष्य एक है। लेकिन सरकार ये ऐसी सरकार के साथ रहे नीतीश जी 18 साल तक रहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार, जो धर्म के नाम पर ही वोट लेता रहता है तो उसी के साथ रहते, इनका मेंटेलिटी भी उसी तरह का हो गया, तो इन पर मैं क्या कमेंट करूँ। लेकिन इतना बोलूँगा ज़रूर कि इनकी प्रशासन कुशासन है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए निश्चित तौर पर जो दंगा इस वक्त बिहार देख रहा है उस पर जो जोरदार टिप्पणी है वो जगदीश प्रसाद द्वारा की गई है, और नीतीश कुमार की जो USP है सुशासन, वो इस वक्त बिहार में कुशासन की नज़र आ रही है, ये कहना है जगदीश प्रसाद जी का। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।